बैग खाली करना सारे। हाँ सारे मैम, ये फ्रेश डिलीवरी ओपन आती है बट लेकिन मैं लिफाफे में डाल के लाया हूँ, तीन आइटम है आपके। हेलो मैम, आपके कंपाउंड के अंदर आ गया हूँ, बैग दिलवा दीजिए बस। नाइट में सारा दिक्कत भाई ये होती है भाई, अपने साथ गेट बंद वाली। ऑर्डर सीओडी करा है तो भाई दोनों ही ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल है। बात तो सही है। हमें पता है यहाँ का पड़ता है आइटम में, मतलब ऑर्डर में आइटम क्या है जब बैग ओपन करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। भाई अभी अपन पहुँचे हैं अपने वेयर हाउस के पास, PNDR, और भाई अभी टाइम हो रहा है 5:20। तो यार अभी ना अपन जो पहुँचे हैं वेयर हाउस, इसलिए पहुँचे क्योंकि अपना ब्लॉग है 5:30 का, तो अपन इसलिए भाई राइट टाइम, राइट टाइम के मतलब हाँ भाई मतलब 15 मिनट पहला होता बट बिल्कुल ठीक टाइम से आ चुका है वेयर हाउस। तो भाई सुबह से अपना कोई ब्लॉग था नहीं और भाई अपन कर भी नहीं पा रहे थे बिकॉज वीडियो एडिट करनी थी, बहुत सारे घर के काम भी रह रहे थे वो भी करने थे, तो इस चक्कर में भाई अपने कोई स्लॉट एक्सेप्ट नहीं किया। अभी अपना स्लॉट है 5:30 वाला, तो पहले अपन इसको अराइव करते हैं शेड्यूल में। और आप फिलहाल टाइम नंबर 5:21 स्टार्ट पे क्लिक करते हैं भाई, स्टार्ट ट्रेवल अराइव्ड द सेल्फी टाइम। लो भाई इधर सेल्फी होगी डन अपनी, यूज़ फ़ोटो। लो भाई सेल्फी डन, चेक इन कर लेते हैं। और भाई इधर आप आओ जो कैलेंडर में, आज डेट 28 है भाई, 5:30 7:30 8 से 10, मतलब यहाँ पे ब्लॉक होता ना साढ़े अपना 7:30 का तो कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन अभी गैप है आधे घंटे का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात एक ही है। तो भाई अराइव कर लिया आपने ने, और अभी चल रहे हैं अपन नीचे वेयर हाउस में। सामने ही गौर मॉल है, इधर ही अपना वेयर हाउस है, और अभी अपन ऊपर ही खड़े थे नीचे बेसमेंट में। यार ब्लॉक फुट करते ना हल्ला बहुत होता है, मतलब हल्ला तो होता है यार, कभी गार्ड सीट पर आते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी डिस्टर्ब कर रहे थे भाई वहाँ के बंदे आके, पता है उन्हें ब्लॉक फुट कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल निकलते हैं नीचे यहाँ से, ऑर्डर वॉर्डर पिकअप करता है, एक तो काका रोड मिलता है, अभी अपने को कहीं रोड मिल जाए लेकिन अगले वाला थोड़ा ठीक सा रोड मिल जाए, तो फिलहाल निकलते नीचे के लिए, मिलते हैं आपसे आफ्टर पिकअप। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो फाइनल भाई अपने रूट पिकअप कर लिया अपने ने। भाई अपने को ना अभी जो मिले हैं चार ऑर्डर मिले हैं, चार ऑर्डर में भाई लोकेशन तीन है, मतलब भाई एक कस्टमर का मल्टीपल ऑर्डर है, तो भाई ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब कि भाई अपने को चार ऑर्डर में सिर्फ तीन लोकेशन पर जाना है। और तीन लोकेशन में भाई मतलब ऐसा है अपना, पहले चलेंगे अशोक नगर, फिर चलेंगे गांधीनगर, और थर्ड जो लोकेशन है भाई वो है अपनी कैलावट्टा हेड की, आई थिंक वो दुकानदार का ऑर्डर है, मतलब कि भाई वेंडर का ऑर्डर है, वेंडर सीन अपने एक चल रहा है, पता भाई वेंडर के सीन चल रहा है, वेंडर ना तो रिफंड ले रहे हैं, मतलब कुछ भी आइटम डैमेज वैमेज नहीं होने के बाद भी रिफंड ले रहे हैं। अब भाई हमने वो भी बता भी रखी है चीज़, उनको भी पता है चीज़ भाई कि वेंडर रिफंड ले रहे हैं, तो भाई वो बोलते हैं अपने को फोटो वोटो डाल दो ताकि वेंडर जो है मतलब कस्टमर जो वेंडर है वो अगर क्या नाम है कंप्लेंट भी डालता है तो हम उसके ऊपर दिखा सकते हैं कि भाई आपका आइटम प्रॉपर और अच्छा आइटम मतलब अच्छी क्वालिटी में आपको आइटम मिला है। तो बाकी अभी फिलहाल निकलते हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर लोकेशन पे, बट मैं उससे पहले आपको अपना रूट दिखाता हूँ, रूट कैसा है। एक बार ऑर्डर सारे पेड है या अनपेड है मैंने मैं वो देखा नहीं है, वो भी मैं अभी देखूंगा सिर्फ। तो भाई ये लोकेशन है अपनी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, भाई 2 नंबर है अशोक नगर, 3 नंबर है आई थिंक गांधीनगर, भाई जी गांधीनगर ही है, और ये है आपका 4 नंबर, ये है आपका कैलावट्टा साइड समरी में आते हैं भाई। ऑर्डर सारे पेड है, अच्छी बात है अपने लिए, भाई टाइम देख लो 6:02। बिना देरी करके निकलते हैं कस्टमर के लोकेशन के लिए, मिलते हैं आपसे फर्स्ट ऑर्डर लोकेशन पहुंचकर अशोक नगर। तो पता है भाई जो अपना थर्ड ऑर्डर देंगे ना अपन, जो बड़ा लास्ट ऑर्डर देंगे वही ऑर्डर वेंडर का है, तो यार उनके ऑर्डर में तो भाई आई थिंक लाइजोल वगैरह ये सब कुछ, बट सेकंड ऑर्डर में है अपने पास अंडे, मतलब जो सेकंड लोकेशन में जाएंगे वहाँ है अंडे भाई, उसको बड़े प्यार से लेके आना पड़ेगा, अगर अंडे डैमेज हो गए ना भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो यार क्या मतलब वापस लेके आना पड़ेंगे, पहली दिक्कत तो ये और थोड़ा सही नहीं है डैमेज होगा कुछ भी आइटम, अमेजोन क्या कहती है मतलब भाई ऑर्डर डिलीवर से मतलब है अमेजोन को, अब उसमें डैमेज हो मिसिंग हो कस्टमर नॉट रिक्वायर्ड हो कुछ भी हो भाई वो नहीं होना चाहिए, कुल मिला के सिर्फ ऑर्डर डिलीवर होना चाहिए प्रॉपर वे में। तो फाइनल यार अभी ना अपन अपने फर्स्ट ऑर्डर लोकेशन के आसपास ही हैं, मैप में यहीं दिखा थोड़ी सी आगे, बट अब कौन सा है वो अपने को देखना पड़ेगा, अभी या तो ये वाला है या ये वाला है, अब देखना पड़ेगा अपने को उतर के एक्यूरेट कौन सा। चलो भाई शुक्र है एक्यूरेट ये वाला फ्लैट है अपना, फ्लैट मतलब भाई प्लॉट। और अभी ना यार अपन बैग कैसे करें यार, क्योंकि काफ़ी बल्क है यार ऑर्डर में, मतलब ये जो ऑर्डर है भाई चार पर बैग का ऑर्डर है और ऊपर अंडे भी रखे हैं, तो भाई पहले अपना एक काम करते हैं अंडे निकाल लेते हैं ताकि अंडे टूट ना जाए, और इन कस्टमर को लगा लेते हैं फ़ोन। अभी तो भाई फिलहाल पूरी सेफ अंडे की ट्रे, आगे का कुछ पता नहीं, फिलहाल इनको अंडे को यहाँ रख देते हैं साइड में। अमेजोन से ऑर्डर है आपका? हेलो, अमेजोन से ऑर्डर है आपका? हाँ मैं बाहर ही खड़ा था। ओके देखते हैं भाई कौन आता है, इतने अपन ना ये सामान वामान निकालते हैं इनके सारा। ये खाली क्या करना है? बैग खाली करना है सारे सारे। हाँ अंदर करवा लो, इधर ही कर दूँ। अमेजोन फ्रेश? हाँ जी मैं बिल निकाल लेता हूँ, एक मिनट पार्ले हाइड एंड सीक मिलवाना तो मिलवा लो, साइड रख लो, यानी बार बने
तो काली सी होगी क्वांटिटी पूरी है वैसे 3 किलो। तो फाइनल भाई कंप्लीट हो गया अपना फर्स्ट ऑर्डर, अभी निकल रहे हैं अपने अपने सेकंड थर्ड ऑर्डर लोकेशन पे, क्योंकि भाई मल्टीपल ऑर्डर है ना, एक ही कस्टमर के दो ऑर्डर हैं भाई। अपने को ना इस ऑर्डर में इतना टाइम लग गया भाई, पहले तो कस्टमर को फ़ोन किया, उन्होंने घर पर फ़ोन किया भाई बंदा बाहर ऑर्डर लेने आया एक बंदा भाई, उसको फिर मैंने आइटम सारे निकाले, चाय पहले निकालते मैं गिने, फिर कस्टमर को भाई आइटम गिनाओ मतलब बिल दिन में दिखाओ, फिर मैंने बिल बिल खोला, उनको ऑर्डर ऑर्डर चेक कराया, बताया बल्कि ऑर्डर में दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है कि यार इसमें 44 आइटम में अपनी होगी हालत खराब ऑर्डर चेक कराने में। तो पता यार अभी ना अभी अपन निकल रहे हैं फिलहाल अपनी सेकंड ऑर्डर लोकेशन के लिए, जो कि है गांधीनगर का, मिलते हैं आपके लोकेशन पे। भाई अपन कस्टमर लोकेशन के आसपास ही है, बट देखना उनका प्लॉट नंबर कौन सा पड़ेगा, और इन्होंने भाई डाल भी रखा है, इनका है फर्स्ट फ्लोर, तो जाहिर सी बात है भाई अपार्टमेंट वाला सीन होगा, मतलब फर्स्ट फ्लोर किसी का, सेकंड फ्लोर किसी का, थर्ड फ्लोर किसी का, तो आई थिंक यार इनका यही प्लॉट है, मतलब कि अब यही इनकी बिल्डिंग है। चलो सो कर भाई अपन एक्यूरेट आएँ, इनका ऑर्डर भाई मैं मतलब मैं एड्रेस देख के समझ चुका हूँ, लोकेशन बिल्डिंग देख के समझ चुका हूँ भाई, इनका ऑर्डर काफ़ी बार लेके आ चुका हूँ मैं। तो भाई ये फर्स्ट फ्लोर बुलाते हैं, तो भाई बिना देरी करते हैं निकलते हैं फर्स्ट लोकेशन पे। तो भाई बिना देरी करते निकलते हैं अपने लोकेशन के लिए फर्स्ट फ्लोर के लिए, और भाई देखो क्या मसला रखा है चांद का भाई, मतलब व्यू कितना प्यारा व्यू लग रखा है। तो भाई इनका है मल्टी ऑर्डर, तो भाई इनके ऑर्डर में अंडे भी हैं, अपने को बहुत प्यार से निकालने पड़ेंगे, बहुत प्यार से पड़ के जाना पड़ेगा, निकालते भाई फिलहाल। तो भाई अभी भी ना इनके ऑर्डर में अंडे हैं, और लास्ट बार जब मैं आया था यहाँ पर तब भी इनका अंडे लेकर आया था ऑर्डर में, लगता भाई ये लोग अंडे ज़्यादा खाते हैं, उस टाइम तो भाई नवरात्रि चल रहे थे, अभी तो नवरात्रि ख़त्म हो चुके हैं। बाइक भारी खड़ी अपनी, स्पेस इतना कम निकलने के लिए, तो क्या ही कर सकते हैं। तो फाइनल भाई कंप्लीट हो चुका अपना सेकेंड थर्ड ऑर्डर भी, अभी निकल रहे हैं अपन अपने फोर्थ ऑर्डर लोकेशन पे, जो कि है भाई आई थिंक वो दुकान वाले का ऑर्डर है, लोकेशन से लग रहा है, मैं उनको फ़ोन कर लूँगा वैसे कन्फर्म कर लूँगा। तो पता भाई अभी जो अपन ऑर्डर दे के आए ना, लास्ट ऑर्डर दिया मतलब अभी ऑर्डर डिलीवर होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट टाइम में कस्टमर ने बोला भाई ब्लॉक सूट कर रहे हो क्या, मैं नीचे आ गया तो वो पूछ रहे थे, मैंने हाँ जी ब्लॉक सूट कर रहा हूँ मैं, तो उन्होंने बोला भाई डिलीट कर दो, भाई मैंने ठीक है डिलीट कर दिया यार, फिर लेकिन मैंने समझाया उनको, मैंने ऐसा कुछ गलत वाली बात नहीं है, हम जब भी डालते हैं ब्लर कर देते हैं फेस को, तो उनका लड़का आया अंदर से, तो उन्होंने उनसे कहा मामा आप किस किस को रोकोगे फलाना ठिकाना, मतलब भाई वो बंदा भी ठीक है अपनी जगह, अपनी भी गलत नहीं है, वो आंटी भी ठीक है अपनी जगह, भाई सबकी सोच सबकी एक सी नहीं होती ना। हाँ भाई कुछ बंदे हैं यार वो मतलब किसी को भी रिवील कर देते हैं यार, अपना वाला सीन नहीं है, रिवील करते हैं बस फेस ब्लर करके, क्योंकि भाई फेस की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो भाई अपन किसी का फेस रिवील नहीं करते, और अभी निकल रहे हैं अपन अपने लास्ट ऑर्डर लोकेशन के लिए, जो कि कैलाभट्टा का है, उन कस्टमर से अपन कन्फर्म कर लेते हैं, ताकि वो दुकान का ऑर्डर कहाँ का ऑर्डर है। हेलो अमेजोन से ऑर्डर है आपका, दुकान पे आना है क्या? ओके ओके, तो भाई मैंने बताया था ना आपको दुकान का ऑर्डर है, तो भाई कन्फर्म हो गया दुकान का ऑर्डर है। अब भाई वेंडर का ऑर्डर है अपन ना, इसकी ग्रुप मतलब अपन सब ऑर्डरों की फ़ोटो क्लिक करते हैं, ताकि भाई कुछ दिक्कत हो तो कंप्लेंट आए तो अपन कहते हैं भाई अपन गलत नहीं है, लेकिन इस ऑर्डर की फ़ोटो अपन ग्रुप में भी हाईलाइट करेंगे, ताकि जो सीनियर लोग हैं उनके सामने हाईलाइट हो जाए। बाकी जो हम सभी ऑर्डरों की फ़ोटो क्लिक करते हैं, वो जब कर दिखाते हैं उनको सीनियर को, तब वो मांगते हैं किसी ऑर्डर में कोई दिक्कत होती है, तो बाकी निकलते हैं अभी लोकेशन के लिए। भाई पहुँच चुके हैं लोकेशन पर, निकालते हैं उनके बैग वगैरह, ठीक है भाई 5 ही ठीक, थैंक यू। तो भाई ऑर्डर दे दिया आपने वाला, वो टाइम तो रखा भाई, टाइम है 6:46। तो भाई कंप्लीट हो चुके अपने चारों ऑर्डर क्या भाई, मतलब 3 ही ऑर्डर थे, ऑर्डर तो 4 थे, लोकेशन 3 थी, भाई सब कंप्लीट हो चुके हैं। और अपने को जो भाई ऑर्डर मिले थे ना भाई, फर्स्ट ऑर्डर में अपने को भाई अपने कस्टमर को पहुँचे भाई, ऑर्डर वाले किया था तो चक्कर में भाई अपने लग गया काफ़ी टाइम, तो ऑर्डर मेरा निकालते टाइम लग गया, ऑर्डर फिर आइटम चेक कराए कस्टमर ने को, उसमें भाई बहुत टाइम लग गया। फिर भाई सेकेंड ऑर्डर पहुँचे, ऑर्डर डिलीवर आराम से हो गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कस्टमर अंडर के ट्रे खोले चेक करने वाले, देखो खोले चेक तो कर लो आप, फोटो नहीं हो मैं लेके जा पाऊंगा कोई दिक्कत नहीं। फिर लास्ट में कस्टमर को डाउट हुआ, मैंने मतलब वीडियो चल ली तो उनको समझाया, फिर भाई ये दिक्कत होती रहती है। बाकी फोर्थ ऑर्डर में पहुँचे अपन, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन भाई 45 मिनट लग गए अपने को ये डिलीवर करने में, तीन लोकेशन में। तो लेकिन भाई पता ये ऑर्डर 45 मिनट के थे, मैक्सिमम आधे घंटे के थे, लेकिन भाई डिस्टेंस की वजह से टाइम लग गया, ट्रैफिक मिलता अपने को, और थोड़ा कस्टमर थोड़ा डिले कर दिया था। बाकी अभी निकलते हैं वेयर हाउस के लिए, ऑर्डर वोडर पिकअप करते हैं, नेक्स्ट लोड के 8 बजे लौट के मिलते हैं आपसे आफ्टर पिकअप। 2 hours later। हाँ तो फाइनल भाई अपने ने अपने ऑर्डर पिकअप कर लिया है, अपने को मिले हैं 5 ऑर्डर भाई, 5 ऑर्डर में लोकेशन तो 5 पे जाना अपने को, लेकिन डिलीवर 4 ऑर्डर करने हैं भाई। आप पूछोगे यार आप ये क्या मतलब है, समझ रहे हो ना, मतलब भाई ये है 4 ऑर्डर डिलीवर करने हैं अपने को, 1 ऑर्डर अनडिलीवर करना है, मतलब कि वो ऑर्डर रिजेक्ट करना है, बिकॉज क्योंकि वो कस्टमर का एड्रेस हो चुका है गलत भाई, जिसको पता है गाजियाबाद में चौधरी मोड़ शेर सिंह पैलेस कहाँ पर है, तो भाई वो आपको सबको पता है वो मार्केट एरिया है, तो भाई वो 8 बजे के बाद मैक्सिमम बंद ही हो जाती है,
तो मुझे मन में डाउट हुआ, मैंने प्रदीप भाई कस्टमर से कंफर्म कर ले कि उनको ऑर्डर कहाँ चाहिएगा, क्योंकि जो उनका एड्रेस था ना भाई शेर सिंह पहले सीनियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो भाई प्रॉपर एड्रेस भी नहीं, मैं समझ गया मैंने प्रदीप भाई कुछ नोचा है। तो मैंने भाई कस्टमर को फ़ोन लगा, मैंने ये ऑर्डर कहाँ ले, आपका एड्रेस कहाँ है, मतलब ऑर्डर कहाँ डिलीवर करना है। तो उन्होंने कहा सेक्टर 62 को, आईडी का नाम बताया था मैंने, जी आपके एड्रेस गलत है। कह रही भैया नहीं, मैंने तो एड्रेस सही डाला है। मैंने जी आप ऑर्डर चेक कर लीजिए, आप मेरे को बैक करके बता देना। तो फिर कस्टमर की कॉल आई, मेरे उन्होंने बताया कि भैया ठीक है, हाँ कुछ जैसा करना है आप कर लीजिए, ऑर्डर को कैंसिल करना है। मैंने ठीक है जी ऑर्डर कैंसिल मैं कर दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बाकी आपको अमेजोन में कोई कॉल कराती तो आपको बता देना जी दिक्कत कहाँ आ रही है। बाकी फिलहाल अभी निकलता है अपने फर्स्ट लोकेशन पे, बट यार पहले आपको मैं अपना रूट दिखा दूँ, रूट का क्या सीन है। हाँ तो भाई ये रोड है अपना 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कविनगर, 7 नंबर गुलमोर इंक्लेव और 6 नंबर आई थिंक ये नेहरू नगर है, राकेश मार्ग है। हाँ मतलब कुछ भी नेहरू नगर का ऑर्डर है आई थिंक ये। 3 नंबर ऑर्डर ये वही ऑर्डर है जो कैंसिल करना है और 4 नंबर बजरिया का, इनसे बात हो गई है। और इनमें एक ऑर्डर COD है आई थिंक ये 6 नंबर, इनसे बात हो गई है। 7 नंबर और 5 नंबर इनसे मैंने बात करी नहीं है। 3 नंबर ऑर्डर अपने को कैंसिल करना है भाई, आपको लोकेशन दिख जाएगा एक्यूरेट। ये भाई देखो दिखा रहा था डॉक्टर अम्बेडकर मार्ग मतलब चौधरी मोड़, उसको ये हरि मंदिर। तो भाई यही ऑर्डर अपने को कैंसिल करना है, शेर सिंह पैलेस वाला। समरी में आगे देख लो भाई, एक ऑर्डर COD है जिसकी अमाउंट है 2471। कस्टमर से मैंने बात कर ली है, उनको ऑर्डर जो चाहिए और UPI करना है, मतलब जो ऑर्डर COD है। तो फिलहाल अभी निकलता है फर्स्ट ऑर्डर लोकेशन पर कविनगर, अपन पहले करेंगे कविनगर, फिर गगनिंग के लिए, फिर नेहरू नगर और उसके बाद अपन ऑर्डर कैंसिल करेंगे चौथा ऑर्डर, फिर पाँचवा बजरिया देके अपन फिर हो जाएंगे। फिलहाल अभी निकलते हैं फर्स्ट ऑर्डर लोकेशन पे, मिलते हैं आपसे लोकेशन पे पहुंचकर। कविनगर एम ब्लॉक का ऑर्डर है अपना, पता भाई टाइम हो रहा 8:30 भाई, देख लो 8:28 हो रहे हैं, मैं छोड़ था पहले वाला 5:30-7:30, तो अपन भाई 6:45 पे फ्री हो चुके थे, मतलब भाई एक घंटे के अंदर अंदर वहाँ से अपन, मतलब वहाँ 45 मिनट में अपन फ्री हो चुके थे, क्योंकि 6 बजे अपन ऑर्डर लेके निकले थे। तो अभी भाई अपन निकले हैं, मतलब 15 मिनट ये और 7 और 1.5 घंटा ये, तो भाई मतलब 1.5 से 2 घंटे में अपन ऑर्डर लेके निकले हैं अभी, क्योंकि यार अपना कंट्री ब्लॉक नहीं था, कंट्री ब्लॉक होता भाई अपन काफ़ी टाइम पहले निकल जाते भाई, क्या कर सकते हैं भाई। अब यही मतलब कंट्री ब्लॉक का ये बेनिफिट होता है, जो अपना ये एक घंटा खराब हुआ है, एक घंटा यहाँ अपन थोड़ा कवर है, मतलब अपना ना यहाँ 1.5 घंटा खराब हुआ है जो, तो अपना 1 घंटे खराब होता मैक्सिमम, 1 घंटा भी मुश्किल ही होता, मतलब आधा घंटा मैक्सिमम खराब होता। अपन इस टाइम तक क्या पता फ्री भी हो गए होते ऑर्डर देके सारे, क्या कर सकते हैं जो नसीब में वही होना है। फिलहाल अभी निकलते हैं अपने ऑर्डर की लोकेशन के। लो जी भाई आ चुके अपने फर्स्ट ऑर्डर लोकेशन के पास में अपन, तो भाई कस्टमर को लगा लेते फ़ोन, बिकॉज यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है और कस्टमर का एड्रेस आ जाएगा भाई। अपन एक्यूरेट आ चुके हैं, इनको फ़ोन लगा लिया अपने ने, इनका ऑर्डर भी निकाल लेते हैं। हेलो, अमेजोन से ऑर्डर है आपका? हाँ 81 पे हूँ मैं, नीलकंठ। ठीक ठीक, मैंने बेल प्रेस कर दिया भाई, कस्टमर तो यहाँ पे है नहीं, उन्होंने कहा बेल बजा दो, अपन ने बेल प्रेस कर दिया निखिल के नाम पे, थैंक यू। तो फाइनल भाई कंप्लीट हो चुका अपना फर्स्ट ऑर्डर, और अभी निकल रहे अपने अपने सेकंड ऑर्डर लोकेशन पे, जो कि अपना गुलमोरिंग क्लिप का। तो भाई निकलते लोकेशन के लिए, मिलते हैं आपसे लोकेशन पे पहुँच कर। और भाई जो गुलमोरिंग क्लिप का ऑर्डर है ना, अभी यहाँ से अपन निकलेंगे, वहाँ पड़ेगा रेलवे फाटक भाई, वो ओपन मिलेगा ना अपने को, तो अपना काफ़ी टाइम बच जाएगा। बाकी चल के देखते हैं भाई क्या सीन भाई, रेलवे फाटक खुला मिला है इससे अच्छी बात क्या है अपने लिए भाई, नहीं तो पता ही नहीं कितना टाइम लग जाए भाई, 10 मिनट 20 मिनट कुछ नहीं पता होता। फाइनली भाई पहुंच चुके हैं सेकंड ऑर्डर के लोकेशन पे, मतलब कि भाई गुलमोरिंग के लिए। अभी अपने यहाँ चलते हैं अपन अंदर, एक एंट्री कराते हैं। लो जो भाई एंट्री इज डन, बहुत छोटी सी एंट्री फॉर्मेलिटी, यहाँ पर नंबर बताओ, फ्लैट नंबर बताओ और एंट्री हो जाती है। और यही टावर है अपना फर्स्ट वाला, अमेजोन से ऑर्डर है। हम तो पता है यहाँ का पड़ता है आइटम में, मतलब ऑर्डर में आइटम क्या है जब बैग ओपन करते हैं। थैंक यू। फाइनल भाई कंप्लीट हो चुका है अपना ये ऑर्डर भी, मतलब भाई सेकंड ऑर्डर। और अभी निकल रहे हैं अपने अपने थर्ड ऑर्डर लोकेशन पे, जो कि है भाई नेहरू नगर थर्ड का, राकेश मार्ग साइड का, जी ब्लॉक का। और भाई यही ऑर्डर अपना COD भी है, मतलब कि भाई कैश ऑन डिलीवरी। वैसे तो कस्टमर से बात हो चुकी है, वो UPI करेंगे भाई, बाकी उनकी हेडेक है यार, वो UPI करें कैश करें, क्योंकि भाई उन्होंने ऑर्डर COD कराया, तो भाई दोनों ही ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल है। बात तो सही है। बाकी अभी निकल रहे अपने अपन थर्ड ऑर्डर लोकेशन पे, मिलते हैं आपसे लोकेशन पे पहुँच कर। भाई अपन कस्टमर के लोकेशन के आसपास ही हैं, तो भाई कस्टमर को लगा लेते फ़ोन, ताकि भाई उनका प्लॉट नंबर वगैरह कन्फर्म तो मैप में दिखाई रहा है, बाकी उनका कन्फर्म हो जाएगा, ऑर्डर उनका आ चुका है। और भाई वो आ जाए बाहर, अपने साथ हो चुका है सीन। और सीन क्या हुआ है भाई देख लो, अपने को जाना है इसके अंदर, और भाई मैप वाले भैया बोल रहे हैं कि आप निकल जाओगे यहाँ से, लेकिन भाई यहाँ तो रास्ता ही बंद है। नाइट में सारा दिक्कत भाई ये होती है भाई, अपने साथ गेट बंद वाली। भाई इधर देखते हैं, इधर से दिखा रहा था मैप में वैसे तो, और भाई क्या सिस्टम बैठता है वो भी देखते हैं।
तो इनको फ़ोन लगा लेता भाई अब। हाँ जी भैया बाहर ही आ गया था मैं। ओके ओके आइटम देख लो, आइटम यही है ना, इसको ले जाओ अंदर खाली कर लेना फिर दे देना। तो भाई मैंने कस्टमर से बोल दिया, मैंने अपने आइटम कंफर्म कर लो पहले तभी जी भाई अपन बनाएंगे बार कोड, कस्टमर यूपीआई करेंगे बोल रहे थे। ये आगे होगा अमाउंट तो अमेजोन का बार कोड है ना। अच्छा अमाउंट बन के आती है इसके अंदर। ठीक हो गया, थैंक यू। बैग दिलवा दीजिए बस भाई, बैग भी तो लेना अपना, बैग नहीं भूलेंगे भाई। थैंक यू मोजू भाई, कंप्लीट हो चुका है अपना थर्ड ऑर्डर भी, ऑर्डर सीओडी था, कस्टमर कर दिया यूपीआई, ये बात अपने लिए काफ़ी अच्छी वाली बात है। और अभी निकल रहे हैं अपने अपने फोर्थ प्रोडक्ट लोकेशन पे, जो अपने डिलीवर नहीं करना। डिलीवर क्यों नहीं करना भाई, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, दोबारा बता देता हूँ भाई, ऑर्डर करना अपने कैंसिल भाई। कैंसिल क्यों करना है, क्योंकि भाई कस्टमर का एड्रेस है यहाँ का अपना जीटी रोड का ही, मतलब जो यहाँ का एड्रेस अपने एरिया में आता है, और वो मंगा रहे सेक्टर 62 में कोई सोसाइटी एरिया है, तो भाई कम से कम 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर आगे एक्स्ट्रा बुला रहे हैं वो। वैसे तो अमेजोन कहती है भाई लोकेशन मतलब डिलीवर ऑन ऑर्डर, हाँ कस्टमर का लोकेशन थोड़ा आसपास होता है ना भाई, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर था, तो भाई मैं आपको दे भी आता, क्योंकि यार 1 किलोमीटर अपन एडजस्ट कर लेते हैं, वो भी अगर अपने रूट अपने मतलब अपने एरिया का ऑर्डर है तो, अदरवाइज भाई 10-12 किलोमीटर तो अपन कवर कर नहीं पाएंगे। फिलहाल अपने निकलते हैं फोर्थ ऑर्डर लोकेशन पर, जो अपने ऑर्डर कैंसिल करने आना सिर्फ लोकेशन पर। तो भाई अपन आए सिर्फ ऑर्डर कैंसिल करने के लिए, स्टार्ट ट्रेवल भाई, सीधा अपन स्कैन का ऑप्शन आ रहा है कर देंगे इसको, तो भाई इधर आएंगे अपन सीधा रिटर्न आइटम में सीधा, लक्ष्मी त्रिपाठी मतलब इनको ऑर्डर चाहिए नहीं, क्योंकि इनके लोकेशन के रहता है या बंदे ऑप्शन और भी हैं दिखाया था मैं आपको, अनएबल टू डिलीवर। तो भाई इधर अपन खोल दे भाई, कस्टमर अवेलेबल अनएबल टू लोकेट एड्रेस, तो भाई कस्टमर नॉट अवेलेबल डाल देना अपना प्रॉपर रीजन। मोज भाई अपना ये ऑर्डर अपना कैंसिल हो चुका है, मतलब रिजेक्ट हो चुका है, कस्टमर नॉट अवेलेबल फॉर लोकेशन, अपने डिलीवर कर दिया ऑर्डर, और अभी निकल रहे अपन अपने फिफ्थ एंड लास्ट लोकेशन पे जो कि बजरिया का है। कस्टमर से बात हो चुकी है मेरी कि जहाँ तक लोकेशन दिखा रहा है वहाँ तक चलते हैं अपन, उसके बाद कस्टमर को फ़ोन लगा लेंगे अपन ना। कस्टमर जो लोकेशन है ना उसके आसपास ही है, बट अब एड्रेस कहाँ है आई डोंट नो, तो भाई इनको फ़ोन लगा लेंगे अपन ताकि भाई कोई दिक्कत वाली बात ना रहे। हेलो मैम आपके कंपाउंड के अंदर आ गया हूँ, ये लेफ्ट में पड़ेगा राइट में, भाई आपकी लेफ्ट में पड़ेगा, ये वाइट वाला है क्या, ठीक है आप भेज दीजिए। हाँ भेज दीजिए। ओके लोकेशन पर तो अपना आ चुके हैं, कस्टमर को फ़ोन लगा दिया है, बोल दिया उनको एड्रेस पर आ चुका हूँ, तो वो भी बाहर है अभी, कह रहे हैं मैं घर पर फ़ोन कर रही हूँ, देखते कौन आता है भाई, फिलहाल अपन वेट करते हैं। और टाइम हो चुका है भाई 9:11। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर एक कस्टमर का फोन आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, बात करते हैं। हाँ जी मैम। भैया एक चीज बताओ, ओके जो सामान लाए हो वो Amazon के किसी उसमें पैक है कि कैसा खुला है? मैम ये फ्रेश डिलीवरी ओपन आती है, बट लेकिन मैं लिफाफे में डाल के लाया हूँ, तीन आइटम है आपके लाए हो ना, लिफाफे में ही लाए हो ना। हाँ जी हाँ जी। काम करो लिफाफे को ना बंद करके बाहर गली के बाहर जाओ, वहां पे ना सामने एक बर्गर वाला खड़ा है। इनसे बात करानी है आपकी? नहीं नहीं बर्गर वालों को करा दो, बोलो कि टाइल वाले भैया भी आ रहे हैं। कौन से वाले भैया? टाइल वाले भैया। हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है मैम, दे दिया मैंने। वेलकम मैम। भाई टाइम देख लो 9:14। हाँ तो फाइनल भाई अपने लास्ट ऑर्डर भी अपना कम्प्लीट हो चुका है भाई, अभी अपने को मिलते हैं 5 ऑर्डर, जिसमें कि अपने ने 4 डिलीवर कराए 1 अनडिलीवर कराए। भाई 5 ऑर्डर में कोई दिक्कत किसी में नहीं हुई, जो दिक्कत थी भाई दिक्कत जब होती, अगर मैं कस्टमर से ना जो ऑर्डर अपने कैंसिल किया, कस्टमर से बात नहीं करता सीधा ऐसे आया था, तो दिक्कत होती भाई अपने को, कि भाई अपन बल्कि ऑर्डर लेके आते उसके बाद फिर उसको वापस लेके आते तो दिक्कत ज़्यादा होती, तो कस्टमर से बात होगी तो मैं उस ऑर्डर को लेके नहीं आया था, सीधा मैंने ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया था लोकेशन पे आके। तो भाई अभी एक ऑर्डर सीओडी था, वो भी एक्स्ट्रा कस्टमर यूपी करते, वो भी अच्छी बात है। और अभी लास्ट ऑर्डर में आपने देख लिया भाई क्या सीन हुआ, कस्टमर फ्लैट मतलब अपने एड्रेस पर थे नहीं, तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने ऑर्डर कहीं बाहर रखवाया अपने, कोई बर्गर वाले भैया उनके पास रखवाया। और अभी यार अपने ने 200 कम्प्लीट करे अपने 5:30, 7:30, 6, 8 से 10। तो भाई पहले अपने कर दिया 45 मिनट फ्री हो गए, अभी अपन 40 मिनट फ्री हो गए, मतलब भाई 1.5 घंटे अपने प्रॉपर काम नहीं करा, मतलब 80 मिनट समथिंग काम किया है, 80 मिनट समथिंग में भाई अपने ये अर्निंग है अपनी 200 लोड की। और भाई ऑर्डर कितने अपने किए हैं भाई, पहले किए थे 4 और दोबारे में करे थे अपने ने 5, 5, 4, 9, और 9 ऑर्डर में भाई लोकेशन अपनी 8 ही थी, क्योंकि पहले वाले स्लॉट में अपने 4 ऑर्डर थे लोकेशन 3 थी, दूसरे वाले में 5 ऑर्डर थे डिलीवर 4 किए थे, और भाई एक ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। बाकी इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करना भाई, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा। ओके टाटा टेक केयर भाई, जय हिंद जय भारत, बाकी रिश्ते सब्सक्राइब करना, बाय बाय।